कोरोना प्रकोप के चलते अनेक अभिभावकों ने फीस नहीं भरी थी, जिस वजह से स्वामीनारायण स्कूल प्रबंधन ने स्कूल से ऑनलाइन के जरिए 1 से 8वीं तक के करीब 200 विद्यार्थियों का एडमिशन रद्द कर दिया था। परेशान अभिभावकों ने स्वामीनारायण स्कूल का घेराव किया। स्कूल ने सभी पालकों को धमकी देकर तुरंत फीस जमा करने को कहा और कहा कि फीस जमा नहीं कराई गई तो बच्चों को बैठने नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाओं के बहाने माता पिता से पैसे मांगने वाले प्रमुख शैक्षिक संस्थानों की चाल के बारे में लगातार शिकायत के मामले को उजागर करने के बावजूद शिक्षा विभाग अब तक इस संबंध में कोई कड़ा संज्ञान लेने में विफल रहा है। इसके बाद अभिभावकों के विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला के बाद उनके वार्डों के स्कूलों में अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इसकी भनक जनप्रतिनिधियों को लगते ही सभी ने अभिभावकों एवं प्रबंधन के बीच मध्यस्थता की। इस अवसर पर भाजपा उपाध्यक्ष, नगर सेवक चेतना टांग, मनीषा कोठे, बाल्या बोरकर आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम यहाँ आए थे सब बच्चे पूरे पेरेंट्स जमा होके यहाँ कि हमारी जो फीस बढ़ी है उसको कम करने के लिए आए थे, और उनने जो बच्चों को अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी फीस न भरने की वजह से उनको क्लास से निकाल दिया गया था ऑनलाइन से, और उनकी पढ़ाई भी पूरी खराब हो रही है। उस वजह से हम ये चाह रहे थे कि उनको ऑनलाइन वापस ज्वाइन किया जाए, उनकी पढ़ाई लेके जाए और जो फीस बढ़ी हुई है उसको कम करके कम से कम 50% किया जाए उसकी, क्योंकि सबका नुकसान हुआ है, सबके पास काम नहीं था, सबकी नौकरी गई है, किसी का काम बंद हुआ है। उस वजह से हम ये चाह रहे थे कि हमारे भी कुछ सहूलत हो, कि जो मैनेजमेंट है वो हमारी तरफ ध्यान दे के थोड़ा सा कुछ कम करें। उनने कहा है कि 8 दिन का समय दिया है, ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो, 8 दिन के बाद में वो बताएगी कि कितना कम कर सकते हैं।